सेकंड देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना ए की वर्तमान आयु जो है वह एक्स वर्ष है, ठीक है। बी की वर्तमान आयु, जो है वाई वर्ष है, ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से, इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:4, यानी कि हो जाएगा एक्स बटा में वाई इक्वल टू में 11/4, यानी कि 4x = 11y, ठीक है। 4x = 11y हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4x - 11y = 0। एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब देखिए 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद इसका भी एज 15 साल बढ़ा दो और इसका भी एज 15 साल बढ़ा दो, दोनों ए और बी का, और इनका अनुपात 2:1 हो जाता है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या आता है। x+15 = 2y+30, तो x - 2y = 30 - 15, यानी आ जाएगा x - 2y = 15। यह समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण 2 में हम लोग 4 से गुना, समीकरण 1 में 1 से गुना, ताकि हम लोग x के गुणांकों को समान कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 4x - 11y = 0, यहाँ हो जाएगा 4x - 8y = 60, ठीक है। चलिए साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस का 3y और इधर माइनस का 60, माइनस माइनस कट जाएगा, ये जाएगा भाग में तो 20 आ जाएगा। तो वाई का मान समीकरण किसमें रख दे, 2 में रखने पर, चलिए देखते हैं समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है। तो x - 2 गुना में 20 और इक्वल टू में 15, वाई का मान हमने रख दिया, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 15 और प्लस का 40, यानी कि 55 आ जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं ए की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु जो है वह 55 वर्ष हो जाएगी एक्स का वैल्यू, है ना, और बी की वर्तमान उम्र यहाँ पे 20 हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वह 20 वर्ष हो जाएगी, वाई का वैल्यू 20 ही ना है जी, चलिए 20 वर्ष हो जाएंगे। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।